मेरे नए वीडियोस में आपका स्वागत है। आज हम लोग यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा 2019 के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र की व्याख्या सहित उत्तर पर चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों, यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 के बुकलेट ए पे 19 नंबर प्रश्न की हम लोग व्याख्या करेंगे। यह प्रश्न बेहद आसान है, इसीलिए इसका व्याख्या और उत्तर देकर मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि मैं बहुत अधिक जानता हूं। सिर्फ मेरा उद्देश्य इस वीडियो से आपको यह बतलाना है कि इस प्रश्न को क्यों पूछा गया, इस प्रश्न के पूछे जाने के पीछे क्या बैकग्राउंड है, क्योंकि जिससे जैसे ही आप को यह समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस कारण से पूछे जाते हैं, आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बजाय जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उसको एनालिटिकल तरीके से पढ़ने का प्रयास करने लगे। दोस्तों, हम लोग अब जरा इस 19 नंबर प्रश्न की ओर ध्यान दें। प्रश्न कहता है, अटल नव प्रवर्तन इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? आपके पास तुरंत उत्तर है, नीति आयोग। लेकिन मैं यहां व्याख्या करके आपको बताना चाहता हूं कि यह प्रश्न कहां से लिया गया और क्यों लिया गया। तो दोस्तों, इसकी व्याख्या मैं पहले पढ़ता हूं। वर्ष 2015 के बजट भाषण में वित्त मंत्री की घोषणा के अनुसार अटल इनोवेशन मिशन को नीति आयोग के अंतर्गत स्थापित किया गया। इसका मतलब कि 2015 के बजट भाषण में ही फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि यह मिशन नीति आयोग के अंतर्गत चलाया जाएगा। अब मैं जरा आगे पढ़ूं कि अगर हम आगे के प्रश्न को देखें तो क्या हो सकता है, इसका लक्ष्य पूछ सकता है। तो देखिए, तो अटल नवाचार मिशन का लक्ष्य देश भर के स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों तथा उद्योगों में नवाचार तथा उद्यमिता का एक वातावरण तैयार करना और बढ़ावा देना है। दोस्तों, अब हम अंतिम पॉइंट पर आते हैं। ये प्रश्न 2015 का आज क्यों आया? आज इसलिए आया कि 7 मार्च 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन जारी रखने की अपनी मंजूरी दी थी। तो दोस्तों, चूंकि यह 7 मार्च 2019 को अटल नवाचार मिशन को जारी रखने के लिए एक बार फिर से इसको मंजूरी दिया गया, इसलिए यह प्रश्न 2015 का ना हो करके 2019 के अंतर्गत ही माना जाएगा। अब यह प्रश्न सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल के मई 2019 के एडिशन के पृष्ठ संख्या 27 से लिया गया है। दोस्तों, मेरे बताने का मतलब क्रॉनिकल का प्रचार करना नहीं है। मैं इसी तरह अगले वीडियोज में भूगोल के प्रश्न को लेकर आऊंगा, उसके ऑथेंटिक बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा, संविधान के प्रश्नों को लेकर आऊंगा, उसके ऑथेंटिक बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा कि प्रमाणिक पुस्तक पढ़ने से ही आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। नहीं तो आप रोज मुखर्जी नगर के बाजारों से चमकते हुए अलग अलग प्रकाशन के किताबों को लेकर के घर तो आ जाएंगे, जिसमें इंफॉर्मेशन का भंडार होगा, चार्ट होंगे, उसमें टेबल बनाए हुए होंगे, किंतु जहां पर व्याख्या की आवश्यकता पड़ती है, एनालिसिस की आवश्यकता पड़ती है, वह कोई गाइड नहीं दे पाता है, वह उसके लिए आपको ऑथेंटिक किताब पढ़नी पड़ेगी। आज हम पुराने लोग इसी बात को लेकर के मेरा प्रयास इसीलिए है कि हम पुराने लोग जो आज 19 साल पहले इस फील्ड में आपके उम्र के हुआ करते थे, 20 साल पहले हम लोग आपके उम्र के हुआ करते थे, तो उनके समय से लेकर के आज के बीच में क्या डिटोरिएशन हुआ है? सोशल मीडिया के आने से हम कहाँ डिटोरिएट करते हैं? जैसे दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में कि एक सेलेक्टेड लड़की का फोटोग्राफ्स दिखा करके इंटरव्यू का बताया जाता है कि आईएएस में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक कोचिंग के द्वारा लिया गया इंटरव्यू का प्रश्न है, जिसमें कि आप भी सोचें दोस्तों कि क्या यूपीएससी अपना इंटरव्यू लिए हुए वीडियोज को बना करके बाहर करेगा?
तो आज सोशल मीडिया में हमें भरमाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। वहां पर बार बार बताया जाता है कि यह तो यूपीएससी का इंटरव्यू है। देखिए आईएएस के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, जबकि मुखर्जी नगर के एक बंद कमरे में बैठकर पांच महानुभाव के द्वारा पूछा गया वह प्रश्न है। उनमें से कितने प्रश्न यूपीएससी में इंटरव्यू के दौरान पूछे गए वो तो कैंडिडेट ही बता सकता है, मुझे नहीं मालूम, मैं इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। और अगले वीडियोज में मैं आपके साथ एक नए चीज को लेकर आऊंगा। मेरा यह सीरीज तो चलता रहेगा, अब एक नए सीरीज के साथ हम लोग आएंगे कि हिंदी माध्यम के छात्रों को किस कारण से असफलता हाथ लग रही है, क्यों ज्यादा से ज्यादा हिंदी माध्यम के छात्र पास नहीं कर पा रहे हैं, हमें से चूक कहां हो रही है, क्या हम प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर ही कम सफल हो पा रहे हैं, क्या प्रारंभिक परीक्षा में जितने लड़के सफल होते हैं और मेंस में जो सफल होते हैं उनके रेशियो में कोई इम्बैलेंस है, हम लोग इन चीजों को आगे के वीडियोज में देखेंगे। हम हिंदी माध्यम के छात्रों को यह समर्पित करने के लिए एक वीडियोस तैयार करने जा रहे हैं जिसमें उन्हें उनकी कमियों के बारे में पता लगे और वे और बेहतर रिजल्ट दे सकें और हमारा हिंदी माध्यम जो पुराने समय में 1998 में 2001 में 2009 में जो कंधे से कंधा मिला करके अंग्रेजी माध्यम के साथ चल रहा था, 30% रिजल्ट 28% रिजल्ट हिंदी माध्यम के छात्र ला रहे थे, वह प्रतिशत आज क्यों गिर गया। हमें फिर से अपने पुराने गौरवशाली दिन को लेकर आना है और हम इसके लिए अपने वीडियोस के माध्यम से आपको बार बार सचेत भी करते रहेंगे, सावधान भी करते रहेंगे और अच्छी किताबों को पढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी करते रहेंगे। आप इसे पालन करिए और देखिए आपके जीवन में अगले परीक्षा में बदलाव आता है कि नहीं। थैंक यू।